मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को संधि का दूसरा पार्ट पढ़ाऊंगी। इसके पहले मैंने आप लोगों को संधि के बारे में बताया था कि संधि किसे कहते हैं। तो संधि में पहला स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि थे। तो स्वर संधि के प्रकार हमको बताना था। आइए देखते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं। बच्चों, स्वर संधि के पांच भेद होते हैं। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को, यानी कि जब दो स्वर आपस में मिलते हैं और उससे जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के आपस में मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसको स्वर संधि कहा जाता है। अब स्वर संधि के भी पांच प्रकार होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण, वृद्धि, यण और अयाग, ये पांच संधि जो होते हैं वो स्वर संधि के प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम दीर्घ स्वर संधि के बारे में जानेंगे कि दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं। पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि जब हलक अथवा दीर्घ, यानी कि जब छोटा, जैसे हम जब पढ़ते हैं स्वर और आकृति, तो उसमें जो छोटा हो या बड़ा हो, जैसे अ छोटा है, आ बड़ा है, ई छोटा है, ई बड़ा है, उ छोटा है और उ बड़ा है, इनके बाद क्रमशः अ आ ई ई उ उ, यानी कि ये जो दीर्घ और ह्रस्व स्वर है इनके बाद, इनके तुरंत बाद यही स्वर आते हैं और दोनों के मेल से, और जब दोनों मिलते हैं और उनके मेल से जो विकार उत्पन्न हो जाता है उसको हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे आइए देखते हैं कि क्या क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि अ और अ, यानी कि दोनों छोटा अ मिला, दोनों मिलके बड़ा आ बना, यानी कि जब इसको समझिए, जब स्वर अथवा दीर्घ छोटा अथवा बड़ा के बाद क्रमशः यही छोटा अथवा बड़ा आए, तो दोनों के मेल से क्रमशः आ ई और उ, यानी कि ये दोनों छोटे छोटे या छोटे बड़े जब आपस में मिलते हैं, मिलते हैं तो बड़े हो जाते हैं। अगर कोई चीज छोटा है उसमें और थोड़ा छोटा मिलाएंगे, ऐसे समझिए, तो वो थोड़ा सा बड़ा होगा, या बड़ा है उसमें और थोड़ा छोटा मिलाएंगे तो वो भी बड़ा होगा। आपको जैसे समझ में आता है कि जैसे ये या तो छोटा होगा ह्रस्व अथवा दीर्घ, ह्रस्व और दीर्घ मिले, या दीर्घ और दीर्घ मिले, या ह्रस्व और ह्रस्व मिले, तो दीर्घ बन जाता है। जैसे आ बनेगा, बड़ी बनेगी और बड़ा बनेगा। आइए देखते हैं, जैसे अ छोटा है, इसमें जोड़ा गया है छोटे अ को, तो दोनों छोटा छोटा जब मिला है तो बड़ा आ बना है। फिर यहां देखिए, छोटी ई मिला है तो बड़ी ई बनी है, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिला है तो बड़ा ऊ बना है। आपने देखा कि इसमें भी छोटा छोटा मिला है तो बड़ा हुआ है, इसमें भी छोटा छोटा मिला है तो बड़ा हुआ है, इसमें भी छोटा छोटा मिला है तो बड़ा हुआ है। फिर यहां आइए देखते हैं, ये छोटा ह्रस्व धन दीर्घ, यानी कि छोटा और बड़ा मिला है तो मिल जाकर बड़ा हुआ है, और धन आ मिलकर भी आ हुआ। फिर ये बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर भी बड़ा ई होगा, और फिर छोटा ऊ छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ होगा। फिर यहां देखते हैं कि जब बड़ा बड़ा आपस में मिलता है, दीर्घ और दीर्घ मिला, आ धन आ तभी बड़ा आ हुआ। फिर छोटी ई धन बड़ी ई, जब छोटी और बड़ी हुई तो फिर बड़ी हुई, और छोटा ऊ धन बड़ा मिलकर बड़ा होगा। तो बच्चों, जैसे ह्रस्व और दीर्घ दोनों जब आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद दीर्घ का निर्माण करते हैं, जब उन्हें परिवर्तन होता है, जब छोटी ई छोटी ई दोनों मिल जाएगी तो बड़ी दीर्घ हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। जैसे देखते हैं, यहाँ पे हमने उदाहरण में लिखा है दीपावली मनाते हैं, दीपावली आप लोग मनाते हैं, और देखते हैं कि दीपावली, अब दीपावली को जब हम देखेंगे कि आप संधि विच्छेद करिए, तो दीपावली का हम संधि विच्छेद करेंगे तो दीप धन आवली होगा, दीप और धन आवली मिलके दीपावली बन जाता है। तो यहाँ पे संधि विच्छेद हुआ है, तो देखिए दीप प जब हुआ है तो प अ है,
जो गुड्स वर्सेस दी है उसके बारे में बताएंगी। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।